विदेशों की यात्रा के लिए लोग हमेशा हवाई जहाज से जाते हैं। हजारों किलोमीटर का सफर प्लेन से कुछ घंटों में पूरा हो जाता है, लेकिन क्या आपने भी ऐसी हवाई यात्रा के बारे में सुना है जिसमें प्लेन उठते ही लैंड हो जाए और डेढ़ मिनट में मुसाफिर मंजिल तक पहुंच जाए? आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन यह सच है। इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां हवाई जहाज सबसे छोटी दूरी की उड़ान भरता है और 90 सेकंड में एयरपोर्ट पर उतर जाता है। तो मजेदार जानकारी देंगे, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो कर लो। दुनिया की सबसे छोटी हवाई यात्रा स्कॉटलैंड में होती है। यहाँ दो आइलैंड वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे के बीच की दूरी को तय करने में हवाई जहाज को 90 सेकंड लगते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन दोनों आइलैंड के बीच की दूरी महज 2.7 किलोमीटर है, फिर भी इसके लिए लोग यहाँ हवाई जहाज में सफर करते हैं। इस यात्रा में प्लेन को टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक सिर्फ डेढ़ मिनट लगता है। अब मन में सवाल उठता है कि इतनी छोटी सी दूरी के लिए लोग हवाई जहाज का भारी भरकम किराया देते होंगे ना? बेशक देते होंगे, क्योंकि हवाई सफर तो वैसे ही महंगा होता है। दरअसल इन दोनों आइलैंड के बीच कोई ब्रिज नहीं बना हुआ है, जिस वजह से लोगों को प्लेन से सफर करना पड़ता है। वहीं सरकार इसके लिए नागरिकों को हवाई किराए में छूट देती है। हालांकि इस सफर के लिए बड़े हवाई जहाज तो नहीं है, बल्कि छोटे प्लेन होते हैं जिनमें सिर्फ 8 लोगों को बैठने की जगह होती है। इस हवाई यात्रा को लोगान एयर ऑपरेट करती है और 50 सालों से ये अपनी सर्विस दे रही है।